असम में मदरसों के मुद्दे को सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल करने को लेकर कांग्रेस दुविधा में है। असम विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और वाम दलों के साथ गठबंधन की घोषणा करने के बाद कांग्रेस जल्द ही सांझा न्यूनतम कार्यक्रम तय करने जा रही है। हालांकि सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को नियमित स्कूलों में तब्दील करने के भाजपा सरकार के फैसले से जुड़े मुद्दों को इसमें शामिल करने को लेकर वह दुविधा में है। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा बिहार और बंगाल के बाद अब असम में अपने पांव पसार रही है। इसी पर कांग्रेस की असम इकाई के नेताओं के एक धड़े का मानना है कि इस तरह के मुद्दों पर जोर देने से चुनाव में भाजपा को ध्रुवीकरण का अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा का कहना था कि राज्य सरकार के इस असंवैधानिक फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी और इसको लेकर गठबंधन के प्रस्तावित सामान्य समिति में चर्चा भी होगी। राज्य में फिलहाल प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के बीच जन आधार रखने वाले माकपा भाकपा एवं भाकपा और प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन की घोषणा की है। राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। रिपुन बोरा ने बताया, भाजपा को सरकार से बाहर करने और असम में विकास के लिए 6 दल साथ आए हैं। हम कुछ और क्षेत्रीय दलों से भी बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस गठबंधन का और विस्तार होगा। बहुत जल्द हम सांझा न्यूनतम कार्यक्रम तय करेंगे और एक सामान्य समिति भी बनाएंगे। ये समिति ही आगे की रणनीति और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगी। ये पूछे जाने पर कि किन मुद्दों को सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में स्थान मिल सकता है, CAA और NRC, असम के विशेष दर्जों का मुद्दा, प्रदेश के केंद्र से 90-10 के अनुपात में धन नहीं मिलना, राज्य में मौजूद सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और राज्य के विकास से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबकी सहमति है। इस सवाल पर कि क्या सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को नियमित स्कूल में बदलने का मुद्दा भी इसमें शामिल होगा, तो उन्होंने कहा, सरकार का फैसला असंवैधानिक है। ये व्यवस्था अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। फिलहाल इसको न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस पर समन्वय समिति में चर्चा भी होगी। हमारी कोशिश है कि AIUDF से गठबंधन करने के कारण ऐसे किसी मुद्दे को नहीं उठाना है जिससे चुनाव में भाजपा को ध्रुवीकरण का मौका मिले। इसलिए मदरसे वाले मुद्दे को चुनावी एजेंडे में शामिल करने को लेकर हिचकिचाहट है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में असम की भाजपा सरकार एक विधेयक के माध्यम से प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को नियमित स्कूल में तब्दील कर दिया। गठबंधन के घटक दलों में हालांकि अभी सीटों को लेकर कोई बातचीत आरंभ नहीं हुई है। बोरा का कहना था कि सीट बंटवारे में कोई मुश्किलें पेश नहीं आएंगी क्योंकि सभी पार्टियों का लक्ष्य असम का विकास करना और भाजपा को सत्ता से हटाना है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई में राजग को 86 सीटें मिली थी और पहली बार प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। वहीं 122 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस को 26 और 74 सीटों पर चुनाव लड़कर AIUDF को 13 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ माकपा और भाकपा कुल 34 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हालांकि उन्हें कोई सीट नहीं मिली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।